अरे आ गए टॉप 10 मूवीज की लिस्ट देखने। अबे देखो यार, देखने के लिए ही तो बनाई है। आधे साल में ना एक से एक अमेजिंग मूवी रिलीज हुई है, एंड अगर तुमने इनमें से कुछ ही मूवी को नहीं देखा तो क्या देखा भाई, खुद को फिल्मी लवर कैसे बोल सकते हो। इसलिए फटाफट से देख लेना बिना किसी को बताए, ओके। बाकी बता भी देना दोस्त वगैरह को, इतनी अमेजिंग मूवी है। एंड दिल पर मत लेना कि कोई मूवी कहाँ है, लिस्ट अलग है भाई। लाइन वाइज तुम्हें नाम बताऊंगा, ओके। तो लिस्ट में भाई 10वें नंबर पर जो मूवी आती है वो है मैदान। एंड एक्चुअली में ये एक बायोपिक है एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर एंड कोच सैयद अब्दुल रहीम जी पर, जिनकी वजह से इंडिया फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीत पाया था, एंड वही पहला और आखिरी मेडल था, उसके बाद नहीं कोई जीत पाया। उनकी पूरी जर्नी तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कैसे उन्होंने जो है टीम तैयार की थी, कितनी मुश्किलों से, कितने रिजेक्शन, कितनी उन पर उंगलियाँ उठी थी, वो सब तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी इमोशनल है भाई, काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो दिल को छूते हैं। बट इतनी अमेजिंग मूवी फ्लॉप हो गई थी, समझ भी नहीं आता भाई इंडियंस क्या ही करते हैं यार। लिस्ट में भाई अगली जो मूवी है वो है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। मतलब भाई यहां पर स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जो वैसे तो शादी नहीं करना चाहता था, बट उसे कोई लड़की पसंद आती है, एंड बाद में उसको पता चलता है कि ये तो एक रोबोट है सिफ्रा, एंड ये एक फैमिली एंटरटेनर रोम कॉम मूवी है जिसे देखकर तुम्हें मज़ा तो आएगा भाई। यहाँ पर भाई गाने वगैरह भी इसके काफ़ी वायरल हुए थे कि वो लाल पीली अखियाँ और भी बहुत सारे, एंड ठीक थी यार मूवी। एंड कृति सैनन ने काफ़ी बढ़िया काम किया था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो वो एक्टिंग कर रही थी, एक्चुअली मेरा लगा था कि वो रोबोट थी। मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी है, काफ़ी हटके सी मूवी थी, हाँ देख सकते हो उसको मूवी को तुम यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आगे हमने जो लिस्ट में जिस मूवी को रखा है 8वें नंबर पर, उसका नाम है शैतान, जो एक्चुअली में रिमेक है एक गुजराती मूवी वश का। अब मेरी तरह अगर तुमने मतलब वश मूवी देखी थी फिर तो तुम्हें ऐसा लगा कि देखा दिखाया है, बट अगर ज़्यादातर बंदों ने वैसे देखा नहीं थी इसको तो भाई तुम्हें शैतान मास्टरपीस लगी। यहाँ पर भाई एक हंसता खेलता परिवार था जिनकी लाइफ में एंट्री हो जाती है एक शैतान की, जी हाँ मतलब ऐसे बंदे की जो कि वशीकरण जानते हैं इनकी घर की बेटी को, जो भाई वश में कर लेता है, अजीब अजीब से काम करवाता है, चाय पत्ती खा लो, भाई को मार दो, घर जला दो, खुद को पीटो, एंड बचने का रास्ता सिर्फ एक है भाई, बेटी इसके हवाले करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे घर वाले, जो भी करेंगे भाई बवाल करेंगे। हाँ वश से इसकी एंडिंग थोड़ी अलग है बट फिर भी बढ़िया है, जिसने नहीं देखा अभी तक देखो, जाओ मजे करो यहाँ पर। तो भाई लिस्ट में 7वें नंबर पर हमने जिस मूवी को रखा है वो है बड़गांव एक्सप्रेस, एंड ये काफी दिल के करीब है। मतलब सालों के बाद कॉमेडी मूवी को देखे, इसको देखना। बॉलीवुड के एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर कुणाल खेमू ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जिन्होंने ढेरों कॉमेडी मूवीज में जो भाई काम किया है, एंड भाई यहाँ पर कमाल करते हैं उन्होंने। स्टोरी है तीन दोस्तों की जो बचपन से ही भाई गोवा जाने की सोच रहे हैं, जो कि वो जाते भी है बट जाते हैं हो जाता है कुछ बवाल, जिसके कारण भाई गन्स गैंग्स पाउडर एंड ढेर सारी भसड़ के अंदर वो फंस जाते हैं। कैसे फंसे हैं, आगे क्या होगा, वो जानने के लिए तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी, जिसे देखकर तुम हंस हंस कर पागल हो जाओगे। ऐसे ऐसे कैरेक्टर भाई कंचन कुमड़ी, ऐसी ऐसी सिचुएशन जिन्हें देखकर तुम हंस हंस कर पागल हो जाओगे। और भाई प्रतीक गांधी को जो चोट लगती है, एंड सेकेंड हाफ जो है भाई मैं बोल नहीं सकता। 6वें नंबर पर जो मूवी आती है वो है फाइटर, एंड ये इंडिया की पहली एरियल एक्शन मूवी है। सच में भाई अनिल कपूर एंड भाई ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने कमाल कर दिया था भाई। VFX विजुअल्स डायरेक्शन बहुत तगड़ी है मेरे भाई। हाँ भाई इसको तुम मिस मत करना, हाँ एवरेज रही है बट ये जो है भाई एक रियल इवेंट पर बेस्ड है, पुलवामा अटैक जो हुआ था, फिर हमारे ऑफिसर्स ने क्या मतलब किया था उनका हाल, वो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलता है। जो BGM बजता है वो भी बहुत कमाल है, जो सीन्स दिखाए जाते हैं, जो सिनेमेटिक शूट बहुत कमाल की है। OTT पर देख लेना अगर थिएटर में नहीं देख पाए थे, बट हाँ देखना जरूर इस मूवी को जरूर से। लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है प्रेम आलू, जिसके अंदर दिखाई गई बहुत सी प्यारी एंड क्यूट सी लव स्टोरी। स्टोरी है यहाँ पर सचिन नाम के बंदे की, जिसको कोई लड़की भाव नहीं देती, रिजेक्शन मिलते रहते हैं, जिसके कारण बंदा गेट की तैयारी के लिए हैदराबाद चला जाता है। बट मैंस प्रॉब्लम, वहां पर भी इसे एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम है रीनू। बट भाई पहले से ही कोई उसे लव साइड एक साइड प्यार करता है, बट यहाँ पर भाई जो फिर दोनों के बीच में कंपटीशन होगा ना वो तुम्हें फुल ऑन हंसाएगा, एंड तुम बोलोगे भाई लड़की का चक्कर बहुत यार खतरनाक होता है। मतलब मजा आ जाएगा उन सब सिचुएशंस को देखकर। ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है भाई, यहाँ पर 3-4 करोड़ बजट था, एंड भाई
130 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया। इसलिए मेकर्स ने भाई पार्ट टू भी अनाउंस किया है। भाई और कोई वेट करे ना करे, बट मैं वेट करता हूँ भाई इस मूवी का। सच में काफी क्यूट सी लव स्टोरी है, गर्लफ्रेंड के साथ देखना है किसी के साथ, बट देखना जरूर इसको। 14 नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है द गोट लाइफ। भाई यहाँ पर मेकर्स ने 16 साल लगाए हैं शायद से इस मूवी को बनाने में, एंड क्या मूवी बनाई है। स्टोरी में एक बंदा काम की तलाश में दुबई या फिर कहीं पर जाता है, बट रास्ता भटक जाता है, मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा सीन हो जाता है जिसके कारण वो कहीं पर फंस जाता है, एंड वहाँ पर जो बंदे की लाइफ हो जाती है भाई नरक, उसको देखकर तुम रो दोगे कि भाई बंदा किस हाल में है, क्या आधा भाई रियल लोकेशंस का मतलब इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। एंड जो पृथ्वीराज सुकुमारन सर ने भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन किया भाई कमाल, भाई मतलब बहुत ही अमेजिंग मूवी है, ज़रूर से इसको भी एक बार देखना। तीसरे नंबर पर आती है आवेशम। एंड भाई इस मूवी की तारीफ मैंने करना शुरू कर दिया ना तो भाई मैं रुक नहीं सकता, 3-4 घंटे निकाल दूंगा। मतलब भाई यहाँ पर स्टोरी में कुछ स्टूडेंट्स अपने सीनियर की रैगिंग से तंग होकर एक लोकल गुंडे को हायर करते हैं, एंड भाई वो जो बनना है ना, जी हाँ रंगा, देखो सबने बढ़िया एक्टिंग की है, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, मतलब फहद फासिल ने जो काम किया है भाई, जो इसकी बैक से स्टोरी दिखाते हैं हंस हंस कर पागल हो जाओगे। एंडिंग बहुत सच में बहुत ही कमाल की है, एंड गाने बीजीएम तो भाई कमाल के हैं ही, वो इल्लूमिनाटी कितना चढ़ा भाई, मतलब मलयालम मूवी है जो मैंने अभी तुम्हें लाइन टू वाइज बताई है, मतलब भाई राज करेगा मलयालम, अगर इस मूवी को नहीं देखा ना तो सिनेमा की मतलब गाली दे रहे हो तुम, देखो। दूसरे नंबर पर जो मूवी आती है वो है हनुमान। एंड भाई तीजा सज्जा का अपन बहुत तगड़ा वाला फैन है, उनकी अद्भुतम, उनकी भाई ज़ोंबी रैंडी, एक से एक मूवी हमने देखी है। एंड प्रशांत वर्मा ने भाई जो इस मूवी से सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया, कम बजट में जो मूवी बनाई है ना, ऐसी VFX विजुअल्स, जो स्टैचू हनुमान जी की, अमेजिंग मेरे भाई। स्टोरी यहाँ पर एक ऐसे बंदे की जो डरपोक टाइप का था, बट उसको एक रुधिरामणि मिल गई थी जिसके पीछे बहुत से बुरे लोग पड़े हुए थे। अब क्या उस मणि की कहानी है, क्या पूरी बात है, वो जानने के लिए तुम्हें मूवी को देखना पड़ेगा। बट भाई सच में मूवी बहुत ही बढ़िया है, जो सबने एक्टिंग की है, जो भाई मंत्रों का उच्चारण होता है बीजे वगैरह में, दिल को छू जाएगी मूवी। हाँ भाई इसलिए इसको भी ज़रूर देखना, ब्लॉकबास्टर मूवी हुई है इस साल। नंबर वन पर आती है फाइनली महाराजा मूवी, विजय सेतुपति स्टारर। भाई यहाँ पर स्टोरी है एक डस्टबिन की, जी एक सिंपल से डस्टबिन की, जिसे भाई मतलब खो गया, जिसे ढूंढने के लिए विजय सेतुपति सर पुलिस में जाते हैं, लाखों देने के तैयार है भाई। क्या इस डस्टबिन की स्टोरी है खुद जानजे ना। शुरुआत में सिंपल स्टोरी लगी, बट धीरे 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 जब आगे बढ़ेगी ना, खुश जाओगे तुम इस मूवी में, एंड जो फिर स्टोरी निकल के आएगी, जो ट्विस्ट आएंगे, सर पकड़ लोगे। अनुराग कश्यप भाई एक अच्छे मतलब डायरेक्टर था, उससे कहीं ज्यादा एक अच्छे एक्टर है, जो इनका कैरेक्टर था भाई यहाँ पर, जो घिरौना टाइप, भाई तुम खुद गालियां दोगे, मतलब हिल जाओगे एंड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखकर। 50वीं मूवी है विजय सेतुपति सर की, एंड कमाल की मूवी है, कुछ नहीं बोलूंगा, देखो देखो देखो। बाकी इस साल कल की रिलीज हुई एंड ब्रह्मयुग में और भी काफी सारी टॉप मूवीज है, जिनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में सबको कवर नहीं कर सकता था। बाकी तुम बताना क्या एक बोस्ट लिस्ट की भी मुझे बनानी चाहिए मूवीज की, एंड साल वाले तो हम बनाते ही है। तो भाई ये थी टॉप 10 मूवीज जिनको तुम्हें जरूर देखना चाहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस बोलूंगा देखो 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 एंड देखो भाई।